हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अच्छा, चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं, अपने देसीपन से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वही तरीका है जिसने लालू को बिहार में लोकप्रिय बनाया था। अब तेजस्वी भी कुछ कुछ पिता के रास्ते पर चलकर चुनावी रण जीतने की कोशिश में जुटे नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव में अकेले मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी ने अपने प्रचार का जो तरीका अपनाया उसमें लालू की तरह देसीपन दिख रहा है। हम ठेठ बिहारी है, ठेठ बिहारी जो कहा के पूरा करे, हमारे डीएनए भी शुद्ध बा, बुझाता ना। लोकल स्तर पर संवाद के लिए तेजस्वी भाषणों में भोजपुरी शब्दों का सहारा ले रहे हैं। अब बताइए, नीतीश कुमार जी से बिहार संभले वाला नहीं थे तो थक गए बारे, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बतावा हमरा से कहा तरी, नीतीश जी कहा तरह कि कहां से पैसा आएगा रोजगार देवेला। अपने जमाने में लालू भी इसी तरह से भोजपुरी और देसी अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बना लेते थे। लालू जेल में है और प्रचार से दूर है तो तेजस्वी अपने अंदाज से लालू की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बुझाता रहा कि ना बुझाता रहा, बुझाता रहा तो हाथ उठा के बतावा, बुझाता रहा। तो देखा भाई लोग, एकदम सीधा बात हम बोलनी है, हम नवरात्र कहनी है, कलश की स्थापना करनी वाली और संकल्प लेने वाली, हम झूठ ना बोले, हम जो कहता नहीं उस सच होवे के जाता, जो कहता नहीं उत्साह छोवे के जाता। तू लोग बतावा, एक मौका हमरा के मिली कि ना मिली? अरे दोनों हाथ उठा के बताओ, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नवादा में उनका एक अलग रंग देखने को मिला। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर जैनेन्द्र उनकी रैली कवर कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की ओर जाते वक्त तेजस्वी ने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध ली और पब्लिक की ओर देखना शुरू कर दिया। संकेत बदलाव का था। देखिए, तेजस्वी यादव नवादा में सभा करने के बाद कुछ इस अंदाज में अपने युवा समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस में है। तेजस्वी, एक चीज और, ये जो आप इस तरीके से हाथ हिलाते हैं, ये क्या, इसका क्या मतलब है? बदलाव, 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 बदलो, बदलो, बदलाव, बदलाव, बदलाव। तेजस्वी के करियर का ये पहला चुनाव है जिसमें उनके कंधे पर नीतीश को सत्ता से बेदखल करने का जिम्मा है। पार्टी की ओर से अकेले वो स्टार प्रचारक भी है। इस चुनाव में तेजस्वी सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में, मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। नतीजे चाहे जो भी हो, तेजस्वी का ये अंदाज कहता है कि उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभाल लिया है। कुर्सी चाहिए तो निकलते रहे, वोट मांगते रहे, बताओ